अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी जैसे कि आप सभी को पता है, 2-3 दिन से मैं मायके व्लॉग ही डाल रही हूँ। तो ये क्लिप थी ईद वाले दिन की, क्योंकि गेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे वहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मिला था हमें। तो हमने फटाफट से सभी ने बैठकर खाना खाया था, और ये थी कीमा, चने की दाल की सब्ज़ी, और एक था कोरमा। और हम सभी ने खाना खा लिया है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में मेरे हस्बैंड खा रहे थे दही फुल्की, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो खाना हमारा हो गया था, उसके बाद ही मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी। और ये टेरिस से मैंने थोड़ा सा वीडियो लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा नाइट में यहाँ पे अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए हम सभी ऊपर आ गए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये उस दिन का वीडियो है, नेक्स्ट डे का, जब मेरी सिस्टर जा चुकी थी मुझसे, छोटी वाली। तो ये यहाँ पर इस तरह से रौनक होती है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मन लगता है अगर कभी हम आ जाते हैं छत पे। और नीचे भाई की शॉप है, जहाँ पर बाइक खड़ी हुई है। और ये सारी मार्केट है, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, कैफ़े, पिज़्ज़ा कॉर्नर, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहीं पर अवेलेबल हैं। हमें कहीं और कुछ ख़रीदने के लिए नहीं जाना होता है। अगर कोई गेस्ट वगैरह आए तो हम इजीली यहाँ से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने ये अपने बेटे की क्लिप डाली थी, उसी टाइम हम सभी ऊपर बैठे हुए थे छत पर। और ये इसकी शैतानियाँ एकदम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हम सभी यहाँ पर खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे, और काफ़ी प्यारी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, और काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा था। और ये मेरे हस्बैंड हैं। कभी कभी बच्चों का मन होता है तो उन्हें करने भी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसे ऐसा कोई वो नहीं मिलता है, ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है। तो वहाँ पर इसने बहुत शैतानियाँ की हैं, और इसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से नहला लिया था। और फिर रात के टाइम खाना वगैरह खाकर हम गए थे घूमने के लिए, और ये बज रहे थे रात के 10-10:30 का टाइम हो रहा था। और ये मेरी सिस्टर की बेटी है, क्यूट सी, जिनके मेरे हस्बैंड लेकर जा रहे हैं उसका हाथ पकड़ के। और ये मेरी अम्मी हैं, और हम सभी जा रहे हैं। और ये सामने वाले रोड पे हम आए हैं, जो घर के जस्ट सामने मैंने आपको वीडियो में दिखाया था रोड, वहाँ से रास्ता जा रहा है एक। और यहाँ पर मेरे भाई ने एक अपनी कोई ज़मीन खरीदी है, प्लॉट खरीदा है, तो वहाँ पर हम जा रहे थे। कुछ उसने वहाँ पर मिट्टी वगैरह डलवाई है, तो हम उसी को देखने जा रहे थे। हम काफ़ी पहले गए थे, जब उसकी बाउंड्री वगैरह नहीं हुई थी। अभी उसकी बाउंड्री वगैरह, नींव वगैरह उसने कंप्लीट करा दी है, तो हम जा रहे थे वहीं पर। और ये दोनों इसको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, ये काफ़ी क्यूट लगते हैं छोटे बच्चे चलते हुए। और ये काफ़ी यहाँ की चौड़ी चौड़ी गलियाँ थी, काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ का एरिया था। और ये मेरे बेटे ने देखो कितनी शैतानी करता है, ये गिर गया था यहाँ पे, इसके थोड़ी सी चोट लग गई थी। बट ऐसा होता है जब बच्चे खेलते हैं, तो थोड़ी बहुत चोट भी उन्हें लग ही जाती है। और फिर हम जा रहे थे आगे, और यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे घर थे। और ये देखें, इतना खूबसूरत ये घर लग रहा था, क्योंकि इसमें अंदर से ही प्लांट लगे हुए थे, और काफ़ी पता नहीं किस चीज़ का यहाँ पर पेड़ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रहा था इस घर को। और हम इस गली को क्रॉस कर चुके हैं, और इसके बाद हम एक और गली में टर्न किया है हमने। और इधर से टर्न लेने के बाद हम दूसरी वाली गली में आ गए हैं, और मेरे हस्बैंड दूसरी साइड से लेकर हमें आए थे, इसलिए हमें थोड़ा लंबा पड़ा है रास्ता। बट अगर हम दूसरी साइड से आते हैं तो वहाँ से शायद हम जल्दी आते,
और ये मेरे बेटे को देखो, शैतानियाँ उसकी कम नहीं होती हैं हर कहीं पे। और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर हैं और हम सभी जा रहे हैं प्लॉट पर। और एक मेरी सिस्टर और थी दूसरी वाली मेरे साथ, और अम्मी थी और मैं थी, हम तीनों थे। और इसके बाद में ये गली देखें, ये अभी अभी बनी है, काफ़ी प्यारी। यहाँ की गलियाँ साफ़ सुथरी हैं एकदम। ये देखें काफ़ी प्यारे प्यारे बड़े बड़े चौड़े मकान बने हुए थे यहाँ पर, और चौड़ी चौड़ी गलियाँ थी यहाँ पर, और काफ़ी साफ़ सुथरी, जैसे कि हम रात में गए थे। और ये देखें कितनी प्यारी लाइटिंग घरों में हो रखी थी, और काफ़ी यहाँ पे शांत एकदम माहौल था, डर वाला नहीं बट सुकून वाली शांति थी यहाँ पर। काफ़ी मज़ा आ रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये एक मस्जिद थी जहाँ पर काम चल रहा था, और मस्जिद के भी गेट टू साइड से थे, हम अपनी साइड से भी इधर से जा सकते हैं जिधर से प्लॉटिंग थी। और यहाँ पर बकरियाँ बंधी हुई थी किसी नेबर की। और ये आ गए हैं हम प्लॉट पर, ये मिट्टी डली हुई है, और जिधर मेरा बेटा खड़ा हुआ है इधर टैंक भी बनवा दिया था मेरे भाई ने। और इधर की साइड अंधेरा हो रखा था क्योंकि इधर की साइड अभी एक दो प्लॉट अभी बचे थे बाकी। और ये देखें हम प्लॉट पर खड़े हुए हैं, और यहाँ से मस्जिद का व्यू कितना प्यारा दिखाई दे रहा था, और मस्जिद भी एकदम नज़दीक ही में है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और काफ़ी अच्छी जगह पर उसने प्लॉट लिया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुकून था यहाँ पर। और गलियाँ भी काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी थी, और जैसे कि हम रात के टाइम आए थे तो गंदगी उन गलियों में बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी और एकदम क्लीन थी। और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जाती है उस टाइम पर। और ये देखें ये है हमारी क्यूट सी एली। कुछ देर बाद हम घर वापस आ गए थे, और उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम है, और ये बैठी हुई है हमारी एली क्यूट सी, और ये यहीं पर इसका ठिकाना है, और ज़्यादातर ऊंचाई पर चढ़कर बैठती है, कूलर पे या फिर फ्रिज पर। ये देखें इतने सुकून से यहाँ पर चढ़कर बैठ जाती है, और यहाँ पर ये सो रही थी, और ये कितनी क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है ये। और उसके बाद हम निकल गए थे घर से मॉर्निंग में ही, और ये रास्ते में हमें दिखा था एक मैंगो ट्री जो कि रोड के जस्ट पास में था, ज़्यादा दूर को नहीं था, तो इसलिए मैंने इसका क्लिप ले लिया, एक छोटी सी वीडियो बना ली। और ये देखें इतनी बड़ी बड़ी मैंगोज हो गए हैं, और ये काफ़ी क्यूट लग रहा था, काफ़ी सारे मैंगो इस पर थे ट्री पे, और ये सारे मैंगोज के ट्री थे, सारे मैंगो ट्री थे ये। और अब हम यहाँ से निकल गए हैं, और अब हम आ गए थे अपने घर। तो गाज़ियाबाद में, और एकदम से बहुत ज़्यादा याद भी आती है वहाँ से आकर, बहुत ज़्यादा सभी की याद आती है, अकेला अकेला सा फील होता है, बट आना तो है यहीं पर, तो इसलिए अब मैं अपना बाकी का काम करने लगी हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही थी अपना सूट जो कि इतना प्यारा इसका कपड़ा था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना प्यारा इसका कपड़ा था, इतना सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही प्यारा। लूज़ सा, मैंने ये ज़्यादा टाइट नहीं सिलवाया था, लूज़ सा सिलवाया था, स्लीव्स भी इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा सूट पसंद आया। और ये एक सूट मैंने रमज़ानों में बनवाया था, और ये मैं नहीं पहन पाई थी ये, तो इसलिए मैंने, क्योंकि हैवी कपड़ों में उलझन होने लगी थी, इसलिए मैंने ये वाला सूट पहन लिया। उसके बाद मैं लाई थी अपना बैग जो कि हम लेकर गए थे, जिसमें नाइट के हमारे कपड़े वगैरह थे और वैसे कुछ पहनने के कपड़े थे। और जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सभी कपड़ों को वहाँ पर वॉश कर दिया था, और बट आयरन मैं नहीं कर पाई थी, तो मैं सभी कपड़ों को निकाल कर आयरन के लिए रख दूँगी, जितने भी सूट्स और पैंट्स वगैरह कुर्ते वगैरह थे वो सब मैंने धो दिए थे वहीं पर।
क्योंकि वहाँ पर सुखाने के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस था छत पे, तो मैंने जल्दी से उनको धो दिया था, तो बहुत ही जल्दी से कपड़े सूख गए थे सारे। और ये सभी कपड़ों को रख रही हूँ मैं आयरन के लिए, और जो आयरन के कपड़े नहीं हैं उनको निकाल कर एक साइड पर मैं रख दूँगी। और सभी कपड़े मैंने बैग के ऑलमोस्ट निकाल लिए हैं, कुछ कपड़े इसमें अभी रहते हैं। और ये छोटू सा मैंने क्यूट सा ग्लास इसमें डाला हुआ है अपने बेटे के लिए, कभी ऐसा होता है बाई चांस कुछ बाहर से कोई चीज़ या पानी वगैरह ख़त्म हो जाए तो वो लेना होता है। और ये एक पिकल था जो मैं दिखा रही थी अभी छोटी सी डब्बी में, और ये कुछ टोपी थी जो मैंने अलग पॉली बैग में बांध के रखी थी ताकि मैं इजीली इन्हें निकाल लूँ, कपड़ों में मिक्स ना हो जाएं और किसी चीज़ का कलर वगैरह इन पे ना आए। तो ये सब मैंने एक साइड पर एक तरफ करके रख दी थी बैग में, और इनको भी मुझे वॉश करना है। एक बार मैं इनको वॉश कर लूँगी कंफर्ट वगैरह में तो क्लीन हो जाएंगी, और मैं इन्हें रख दूँगी। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो स्मेल हो जाती है किसी भी कपड़े को अगर वियर करते हैं तो। और ये टोपी मैं लेकर आई थी अपने हस्बैंड की चांद रात वाले दिन, जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी तब मैं उनके साथ गई थी, तब ये टोपी मैंने ख़रीदी थी अपनी पसंद से। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी टोपी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी मुझे लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ गई थी ये टोपी। तो एक वो ये टोपी लेकर गए थे वाइट, और एक ये ब्लैक वाली टोपी वो लेकर गए थे। तो ये दोनों टोपी मैंने उनकी रखी थी घर जाते टाइम, और एक टोपी थी इसमें मेरे बेटे की जिस पर सीक्वेंस लगे थे। उसके बाद मैंने बैग को कर लिया था अनपैक, और छोटू मोटू सा जो भी सामान था मेरा वो सभी मैंने इसमें से निकाल लिया था। और घर पे आने के बाद में ये सब छोटे छोटे कामों में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। और इसमें मैंने एक पॉकेट में रखा हुआ था मास्क एक्स्ट्रा, और एक अपने बेटे के लिए कैप रखी हुई थी, बाय चांस हम कभी बाहर जाते हैं तो उसको धूप ज़्यादा ना लगे, एकदम इफ़ेक्ट ना पड़े धूप का, और उसको टैनिंग ना हो जाए। और बच्चों के लिए धूप में वैसे भी सेफ़ नहीं है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद में मैं अपने हैंडबैग को, क्लच को, वॉलेट को, इन सब को क्लियर करने लगी थी, और इसमें जितना भी सामान था वो सब मैंने बाहर निकाला है रखने के लिए, और उसको कर लूँगी मैं एकदम खाली। और ये मेरा क्यूट सा छोटू सा हैंडबैग है, और ये मैं लेकर आई थी अभी जस्ट कुछ टाइम हुआ है मुझे, ईद से पहले शायद। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा ये छोटा सा पर्स है, और ये छोटा सा वॉलेट क्लच है मेरा, और इसमें काफ़ी सारी पॉकेट्स थी, इधर की साइड भी बैक साइड भी इसमें पॉकेट्स हैं, और इधर कुछ विजिटिंग कार्ड वगैरह रखने के लिए स्पेस था इसमें, विजिटिंग कार्ड और एटीएम कार्ड्स वगैरह काफ़ी सारे आप इसमें कैरी कर सकते हैं। और ये स्लीपर मैंने ली थी, और इनकी एक पिक्चर मैंने डाली है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ये स्लीपर थी, और जो कि मैं ईद पर पहनकर गई थी घर पे अपने। और मेरे वो सूट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, अच्छा लुक आ रहा था। और ये मैंने इयररिंग्स बाय किए थे जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, अभी शेयर कर रही हूँ इसलिए। और ये इयररिंग्स मैंने लिए थे, और ये लाइट वेट हैं, ज़्यादा हैवी इनमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा हैवी नहीं है ये, ज़्यादा वेट नहीं है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, और लुक भी काफ़ी अच्छा था इनका, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये। तो ईद से पहले मैं ये वाले क्यूट से इयररिंग्स लेकर आई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और कुछ मैंने ख़रीदी थी बैंगल्स, और ये कुछ इसमें एडी वाले कंगन थे और कुछ सिंपल वाले कंगन थे इसमें, और फोकस नहीं कर रहा है कैमरा,
बट ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये रेड मैरून कलर के कंगन थे चार। ये देखें कितना प्यारा इनका डिज़ाइन था, सिंपल सा, और ये बिल्कुल मेरे साइज़ के मिल गए थे। ज़्यादातर ये होता है कि मेरे साइज़ की चूड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं, बट ये मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट थे तो मैंने ले लिए थे। और ये कंगन थे, और एक कंगन ये था सिंपल सा, ये वाला भी एक ही कंगन मुझे मिला था तो मैंने एक ही खरीद लिया, और एक इसके साथ ये रिंग भी मैंने ली थी, और एक ये वाला मैंने कंगन ब्रेसलेट जो भी आप कहें ये लिया था। जो आगे से इसको बंद करते हैं, हम एक जॉइंट होता है इसमें बंद करने के लिए, यहाँ से इसको हम खोलते हैं और यहीं से हम इसको फोल्ड करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। और ये प्यारा सा क्लचर मेरी सिस्टर ने मुझे दिलाया था वहीं से मार्केट से, और ये काफ़ी अच्छा था और मेरे बालों के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट था और बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया था। और ये कुछ कंगन मैंने लिए थे, दो कंगन मैंने मैरून कलर के और दो रेड, डेली यूज़ के लिए मैंने ये लिए हैं, और ये भी काफ़ी प्यारे थे। और टोटल मैंने इतने सारे कंगन यहाँ पर लिए थे, ये देखें, और ये सभी बहुत ज़्यादा प्यारे थे, सभी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मुझे ये मिले थे। और उसके बाद में मैं ये सभी चीज़ें समेटने लगी हूँ, मैंने सारी चीज़ों को हटा के अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। उसके बाद में मैं मिरर को क्लीन करने लगी हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। अगर आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।